हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 10th क्लास का नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि हमें जो मेटल्स हैं वो मिलते कैसे हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिकली जो है आपका केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। आपका जो पहले 5 चैप्टर हैं वो 5 जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स जो हैं वो हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कुछ पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। हमें हमारे पास आज की तारीख में, आज की डेट में जो है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो सबको एक साथ स्टडी करना जो है हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हमने क्या किया, उनकी ग्रुपिंग कर ली, और ग्रुपिंग जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कर सकते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे किसी एटम को या किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स को जो है हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो है इन मेटल्स और नॉन मेटल के क्लासिफिकेशन के लिए हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम साथ साथ पैरेलली डिस्कस करेंगे, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या, अब जो प्रॉपर्टी की हम डिस्कशन करेंगे, अगर वो मेटल एटम्स ये प्रॉपर्टी शो करें तब तो हम उनको क्या कहेंगे कि वो क्या है, मेटल्स हैं। अदरवाइज क्या कहेंगे, उनको नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है। वैसे जनरली जो है हम सब जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मेटल्स के। जबकि नॉन मेटल्स क्या है, वो सारी चीजें जो मेटल्स नहीं होती, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। तो वन बाई वन जो है आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल के लश्चर होने की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी लश्चर। अगर आप कोई मेटल लें, ठीक है, और उसका स्मूथ सरफेस अगर देखें, नया सरफेस जो है वो देखें, जैसे मेटल को अगर आपने बीच में से काट लिया, ठीक है, तो वो जो सरफेस है वो क्या करेगा, शाइनी होगा, ठीक है, लश्चर होगी, उसके अंदर चमक होगी, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स जो है वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट फिर भी वो उसका सरफेस जो है कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी कि मेटल्स जो है उनकी क्या होती है, लश्चर होते हैं, ठीक है, ये लश्चर नाम की प्रॉपर्टी जो है शो करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं, ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, एक या दो को छोड़ के, उनको हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोडियम है, सोडियम जो है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, पोटेशियम जो है वो भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आयरन की तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा आपका, एल्यूमिनियम जो है वो भी हार्ड होगा, जिंक जो है वो भी हार्ड होगा, ठीक है, कॉपर जो है वो भी हार्ड होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो हार्ड होंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरी प्रॉपर्टी पे जब हम जाते हैं तो वो है आपकी मालिएबल। ये एक आसान और सिंपल प्रॉपर्टी है कि जब हम मेटल्स को हैमर की हेल्प से बीट करते हैं, ठीक है, या बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर से गुजारते हैं, तो वो जो है पतली पतली शीट्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। जब हम हैमर की हेल्प से जब हम हैमर से
मेटल को पीटते हैं, ठीक है। आप सिंपल सा कोई भी मेटल का पीस ले लीजिए और हैमर से जब आप उसको बीट करेंगे तो उसका साइज जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, आपकी मालिएबिलिटी। तो मेटल्स जो है वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी वजह से मेटल्स की पतली पतली चद्दरें या जो शीट्स होती हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है डक्टाइल। मेटल्स जो है वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं डक्टिलिटी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है कि हम मेटल्स जो होते हैं उनसे तार खींच सकते हैं, उनके तार बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पतले से छेद के अंदर से जब भी मेटल्स को गुजारा जाएगा उनके लंबे जो है तार जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, डक्टिलिटी, और मेटल्स को हम क्या कहेंगे, डक्टाइल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए आप, गोल्ड जो है, अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लें तो उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है वो स्ट्रेच किया जा सकता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर जो है ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। कैसे पता चला, आप देखिए जैसे आपने एल्यूमिनियम का कोई कंटेनर है, ठीक है, उसको गैस के ऊपर हम रख देते हैं तो गैस जो है, स्टोव जो है जिसको हम कहते हैं, वो जब ऑन करेंगे हम तो बाहर से जो फ्लेम्स हैं उनकी हीट जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप एक मेटल की रोड ले लें, ठीक है, और जब आप उसको गर्म करेंगे, ठीक है, इस एंड से गर्म करेंगे और यहां से आपने उसको होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो वो जो हीट है वो धीरे धीरे पहले यहां से गर्म होगा, ये फिर धीरे धीरे गर्म होके हीट जो है वो यहां तक आ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मेटल्स जो है वो हीट के एक अच्छे कंडक्टर है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि इनको इतना ज्यादा गर्म करना पड़ता है तब जाके ये क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, ठीक है। जैसे कि 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर केस में 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देने पर ये जो है मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल आसान बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोनोरस की, SONORO। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है कि जब हम मेटल्स को बीट करते हैं किसी हैमर से, जब हम हथौड़े से या किसी लकड़ी के पीस से हम क्या करते हैं, मेटल की शीट को हिट करते हैं, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है ये आपकी क्या कहलाएगी, सोनोरस। तो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्कूल में जो आपकी बेल लगी हुई होती है, जब आपने देखा होगा उसको जब हिट करते हैं तो उससे जो है साउंड प्रोड्यूस होती है और वो बहुत दूर तक वाइब्रेट करते हुए, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस इन प्रॉपर्टीज को शो करता है तो हम उसको कह देते हैं कि वो सब्सटेंस जो है क्या है, मेटल्स हैं। अगर वो इन सब्सटेंस प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता, तब हम कहते हैं कि वो मेटल जो या वो सब्सटेंस जो है वो नॉन मेटल होगा, ठीक है। पर ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई सब्सटेंस जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि देखने को मिले, तो आइए वन बाय वन जो है एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है मरकरी।
हमने कहा कि मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। बट मरकरी जो है वो मेटल है और वो क्या है, लिक्विड स्टेट में हमें मिलती है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो भी कुछ कुछ इसी टाइप का है, गैलियम। और ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो कि लो मेल्टिंग हैं, मतलब कि गैलियम और सीजियम जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो कम है। हमने क्या पढ़ा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेटल्स के ज्यादा होते हैं। बट ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। इतने कम है कि अगर हम इनको अपनी हथेली पे रखें, मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बट अगर हम इनको अपनी हथेली पे रखें तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है आयोडीन। ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है और उसके बावजूद ये जो है लश्चर जो प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक लश्चर जो है ये शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है आपका वो है कार्बन। कार्बन जो है वो खुद कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट कार्बन जो है वो नेचर वाइज हमें दो फिजिकल स्टेट्स में मिलता है। एक तो है ग्रेफाइट, ठीक है, जो कि नॉन मेटल है बट स्टिल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, सिर्फ मेटल्स शो करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बन के दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म की, वो है डायमंड। ये क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है बट ये क्या है, नॉन मेटल है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब कि नेचर के अंदर हमारे पास जितनी भी चीजें हैं जो नेचर से हमें मिली है उनमें सबसे ज्यादा हार्ड की अगर हम बात करें तो वो क्या है आपका, डायमंड, ठीक है। ये इसको इतना ज्यादा हार्ड जो है वो माना जाता है या है कि जब हम हैमर से इसको बीट करते हैं, हैमर हथौड़ा जो है इसके ऊपर मारते हैं तो हथौड़े के अंदर जो इसकी शेप जो है वो बन जाती है, जबकि ये टूटता नहीं है, ठीक है। ये है आपका एक्सेप्शन, ठीक है। एक एक्सेप्शन और जो है आपका, कुछ मेटल्स जो है जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये जो है सॉफ्ट है, इवन इतने सॉफ्ट है कि इनको हम नाइफ की हेल्प से, ठीक है, चाकू की हेल्प से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लो डेंसिटी, मतलब कि इनकी डेंसिटी जो है वो भी क्या है, बहुत कम है। और लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम है, ठीक है। तो ये जो है आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और कुछ एक्सेप्शंस थे जो हमें देखने को मिलते हैं जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।